Hello friends, welcome to my YouTube channel. In today's lecture we are going to see another next example of partnership final accounts. Okay dosto, aaj ka jo ye video lectures hai un mere subscribers ke liye hai jinhone mujhe specially request kiya tha ki sir aap jo video hai hindi mein banaye, explain hindi mein kijiye. To aaj main ye jo hamara video hai isko main aaj hindi mein explain karne ja raha hu. Okay, तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के लिए. ओके, यहाँ पे हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया हुआ है. दिस इज दी फिफ्थ वीडियो लेक्चर्स ऑफ दिस सीरीज. ओके, यहाँ पे हम सेकेंड एग्जाम्पल लिया हुआ है आज के. यहाँ पे देखिए क्या, करण एंड किरण आर पार्टनर्स इन एमएस मेहता इंटरप्राइजेस. जो मेहता इंटरप्राइजेस है उसमें दो पार्टनर दिए हुए यहाँ पे, एक करण एंड किरण. ओके, दे हैव स्टार्टेड बिजनेस ऑफ रेडी मेड गारमेंट ऑन 1st April 2019, ऑन विच डेट दे कॉन्ट्रीब्यूट 5 लाख ईच. देखिए यहाँ पे जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पे रेडी गारमेंट का बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है 1st April 2019 को उन्होंने स्टार्ट किया, और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ईच, मतलब हर एक बंदे ने यहाँ पे 5 लाख का कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, इनिशियल उनका कैपिटल है. ओके, करण हैज विड्रॉन 20,000 एंड किरण हैज विड्रॉन 50,000 फॉर देयर पर्सनल यूज. ओके, ये जो अमाउंट है उन्होंने विड्रॉ की है, यहाँ पे करण ने 20,000 रुपए जो निकाले हुए, और यहाँ पे 15,000 रुपए किरण ने निकाले हुए पर्सनल यूज के लिए. ये तो ड्रॉइंग में ही जाती है, ऑब्वियसली हमको मालूम है. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 12% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ईच चार्ज 3% पर एनम. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर वो चार्ज करना है, और 12% चार्ज करना है कैपिटल के ऊपर. ओके, और इंटरेस्ट जो है ड्राइंग के ऊपर चार्ज करना है 3% पर एनम. ओके, आगे दिया हुआ है करण इज एंटाइटल टू गेट सैलरी. जैसे कि करण को सैलरी मिला हुआ है, यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है 1,800 पर मंथ का दिया हुआ है. ओके, और किरण इज अलाउड टू गेट कमीशन. ओके, किरण को यहाँ पे कमीशन मिला हुआ है एट द रेट 5% ऑन अ नेट सेल. ओके, नेट सेल के ऊपर 5% उसको कमीशन मिला हुआ है. ड्यूरिंग द ईयर नेट सेल कितना है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 यहाँ पे दिया हुआ है नेट सेल यहाँ पे. ओके, एंड नेट प्रॉफिट अर्नेड ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000 यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि फर्म का है. ओके, और क्या बोला हुआ है देखिए, प्रीपेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों मेथड्स में हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है. जैसे कि हमने प्रीवियस जो एग्जांपल में देखा था और सॉल्व भी किया था, लेकिन वो वाली जो वीडियो थी वो मैंने मराठी में एक्सप्लेन की थी, और ये वाली जो वीडियो है मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है पहले तो जैसे कि हमने इन द बुक्स ऑफ एमएस मेहता इंटरप्राइजेस, किसकी बुक हम मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ मेहता इंटरप्राइजेस, ये लिखना बहुत जरूरी होता है आप किसकी बुक मेंटेन कर रहे हो. ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं हम. देखिए यहाँ पे पहले हमें फिक्स कैपिटल मेथड में स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया कि फिक्स कैपिटल मेथड से पहले स्टार्ट करना है. ओके, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड में हमें दोनों टाइप्स के अकाउंट, पार्टनर के दोनों टाइप्स के अकाउंट ओपन करने होते हैं. कैपिटल अकाउंट भी ओपन करना होता है, और करंट अकाउंट भी हमें ओपन करना होता है, दोनों हमें रिक्वायर्ड होते हैं. ओके, यहाँ पे अभी हमने पहले जो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ओपन किया हुआ है, ये डेबिट साइड से और एक क्रेडिट साइड है. ओके, यहाँ पे हमारे दो पार्टनर है, किरण है और करण है. ओके, जो यहाँ पे उनका जो बैलेंस ऑफ क्रेडिट होता है, वो जो हमने यहाँ पे जो कैश या बैंक के थ्रू जो उन्होंने कैपिटल लगाया होता है बिजनेस में, वो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में लेते हैं. और यहाँ पे 5 लाख ईच, मतलब दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है 5 लाख का कंट्रीब्यूशन है. ओके, यहाँ पे कैपिटल में सिर्फ हम उनके ओपनिंग बैलेंस को ही इंक्लूड करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके,
आगे जो है हमें जो उनका पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो है वो हमें देखना है, पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड में कौन कौन सी जो आइटम्स हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हो गया भाई ड्रॉइंग आ गई, ड्रॉइंग के ऊपर का इंटरेस्ट यहाँ पे आता है डेबिट साइड में करंट अकाउंट में, और जो क्रेडिट साइड है वो क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम आती है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आती है, कमीशन आता है, और जो उनका जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे आता है। ओके लेटर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है, किरण का जो ड्रॉइंग है यहाँ पे 20,000 दिया हुआ है, जो कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है हमें, और जो दूसरा है किरण का कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 15,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 20,000 ये 15,000 दिया हुआ है। ओके और यहाँ पे जो बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे 300 रुपए कैसे आए, यहाँ पे 300 रुपीज कैसे आई, यहाँ पे 225 कैसे आया, ये हमें देखना है, इसको हम कैसे सोल्व करने वाले, ये अमाउंट कैसे आई है ये। और उसके पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके उनका जो कैपिटल है दोनों का कैपिटल 5 लाख है, नो डाउट्स। ओके करण का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हमें निकालना है। ओके तो इसे कैसे निकाले जाएगा हमें देखना है, नीचे हमें वर्किंग नोट दिया हुआ है और उस वर्किंग नोट्स में हम देखेंगे कि भाई हम कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट दिया हुआ है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। ओके देखिए किरण जो करण है, करण का ओपनिंग के बैलेंस है 5 लाख है जो कि 1 ईयर के लिए। ओके यहाँ पे हमें बोला है कि 12% उसका इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि हमने 1 ईयर के लिए उसका निकाला तो वो आ जाता है 60,000, मतलब 60,000 इसके ऊपर आता है, और दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है तो दोनों की अमाउंट भी सेम ही आएगी, 60,000 इसका भी सेम आएगा, मतलब जो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा है वो है 60,000 रुपए, जो कि हमने 60,000 रुपीज जो हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे दोनों का अमाउंट सेम ही है। ओके उसके बाद सैलरी दिया हुआ है, सैलरी किसको दिया हुआ है, किरण को सैलरी दिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमें दिया, यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि भाई जो सैलरी है, सैलरी कितना दिया हुआ है, 1800 रुपए पर मंथ दिया हुआ है, 1800 रुपए पर मंथ दिया हुआ है, और ये 1800 रुपए पर मंथ के हिसाब से अब यदि हम कैलकुलेट करते हैं 12 मंथ का निकालते हैं तो कितना बनता है, उसकी अमाउंट हो जाती है कितनी होती है, देखिए जो सैलरीज वहां पे हमें दी गई है कि भाई जो सैलरी वहां पे उसने हमें जो कैलकुलेशन है सैलरी का हमें दिया गया हुआ है कि टोटल सैलरी यदि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो सैलरी दिया गया है वहां पे 1800 × 12 इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 21,600 उसका टोटल आ जाता है, जैसे मतलब पूरे 12 महीने का जो सैलरी है उसको यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। ओके उसके बाद कमीशन, यहाँ पे जो कमीशन दिया गया है, ये कमीशन किसको अलाउड किया है, किरण को अलाउड किया है, यहाँ पे कितना कमीशन दिया हुआ है, यहाँ पे 12,500 यहाँ पे कमीशन दिखाया गया है। ओके सो इस कमीशन को हम कैसे निकाला है, यहाँ पे वर्किंग नोट्स उसकी कमीशन की बनाई हुई है, यहाँ पे टोटल जो उनका नेट सेल दिखाया गया था 2.5 लाख रुपए दिया गया था और उसके ऊपर 5% निकाला है तो उसका आता है 12,500 जो कि कमीशन बनता है करण का, और वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये करण का कमीशन आया है। ओके उसके बाद जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को वो हुआ है जो प्रॉफिट हुआ है 60,000, मतलब 60,000 रुपए, जिसका 50 जो रेशो उनका दिया गया है तो इक्वल रेशो है, उस इक्वल रेशो के हिसाब से ये 60,000 को हाफ मतलब 50% में डिवाइड करते हैं तो हर एक के हिसाब मतलब हिस्से पे मतलब जो अमाउंट आती है वो आती है 30,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके देन अभी ये साइड में जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है उसका कैलकुलेशन हमें यहाँ पे दिया गया है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन 3% चार्ज करना है हमें, ड्रॉइंग 3% चार्ज करनी है। देखिए करण का जो ड्रॉइंग है 20,000 है, उसके ऊपर उसका जो 50 का रेशियो, मतलब 50% का रेशियो, मतलब जो बंदे है इक्वल रेशियो है तो यहाँ पे
12 मंथ का निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई डेट मेंशन नहीं की गई है, सो हम उसको हाफ ईयर ही लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे उसका जो कमीशन बनता है वो बनता है 300 रुपीज बनता है, और यहाँ पे जो कमीशन बनता है उसका कमीशन बनता है 225 रुपीज बनता है। इस तरह से हमें ये यहाँ पे जो जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि यहाँ पे हमें कोई डेट दिया गया है क्या, यहाँ पे हमें जो इसका कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, सो वहाँ पे हमें हाफ ईयरली वो चार्ज करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे चार्ज किया हुआ है। यहाँ पे किरण का जो है वो है 300 रुपीज ड्राइंग हुआ है, और यहाँ पे करण का जो हुआ है वो हुआ है 225 रुपीज ये हुआ है, ओके। सो ये तो फर्स्ट हमारा मेथड हुआ जो कैपिटल ये जो फिक्स कैपिटल मेथड में से हमने इसको सॉल्व किया, और आगे का जो मेथड है और जो नेक्स्ट मेथड यहाँ पे है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सेम यहाँ पे, लेकिन एक चीज इसमें है कि यहाँ पे दो अकाउंट हमें ओपन करने नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही अकाउंट ओपन करना होता है, और वो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे सारी की सारी एडजस्टमेंट हमें एक ही इसमें करनी होती है। देखिए यहाँ जैसे कि हमने प्रीवियस इसमें कैपिटल अकाउंट जो बनाया था उसमें सिर्फ हमने कैश और बैंक का जो बैलेंस था, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस था उसको हमने क्लोज किया था, ओके ओके क्लोज किया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है ये हमारा जो ड्राइंग है 20,000, ये जो 15,000 जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि इक्वल रेशियो है, और ये जो उनका दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हुआ है, सैलरी दिया हुआ है किरण को, और यहाँ पे कमीशन है किरण का। उसके बाद तो यहाँ पे जो ये जो बैलेंसिंग होता है, और जो प्रॉफिट उनका 50% जो है, जो शेयरिंग उनका जो 50% का शेयरिंग हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हमें करना क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं यहाँ पे, तो पहले तो हम ये साइड की टोटल कर लेंगे। यहाँ पे ये जो सारी टोटल करने के बाद जैसे कि उसकी टोटल अमाउंट आती है 6,2500 आती है, तो उसमें से हमें ये वाली जो अमाउंट होती है, जैसे कि ये 15,000 हो गए, 225 हो गए, इसको इसका कैलकुलेशन करने के बाद इसकी प्लस करने के बाद ये वाली अमाउंट हमें माइनस करनी होती है, तब जाके हमारी ये बैलेंसिंग फिगर आती है। सेम इसका भी वही करना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन हमें करने के बाद इसकी कैलकुलेशन आती है जो 6,11,600 है उसको हमें माइनस करनी होगी, 20,300 माइनस करना होगा, तब जाके हमें ये वाली फिगर आएगी 5,91,300 आएगी, और ये जो अमाउंट आने वाली है ये उनका बचा हुआ कैपिटल रहने वाला है। सेम यही सिचुएशन हमें फर्स्ट जो दोनों हमने यहाँ पे देखे इनको भी वही तरीके से क्लोज करना होता है, जैसे कि ये जो हमारा दोनों का है इनका भी जो क्लोजिंग होता है, जैसे इनकी टोटल करनी होती है, इनकी टोटल करने के बाद ये वाली टोटल करने के बाद ये ऊपर की दोनों की टोटल उसको माइनस कर दो तो हमें ये वाली अमाउंट मिल जाएंगी, और ये वाली होती है उनकी बैलेंसिंग फिगर, ये होती है उनकी बैलेंसिंग फिगर। सेम इनका ही वैसे ही करना पड़ेगा, ये तीनों की टोटल मारने के बाद ये तीनों की टोटल में से ये जो 20,300 है उसको माइनस करने के बाद हमें यहाँ पे ये मिल जाएंगी। इस तरीके से हमें इसको ये पे क्लोज करना होता है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस रिगार्डिंग कोई क्यूरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।